त्रिपुरा में बिप्लव कुमार देव को चुना गया विधायक दल का नेता, जिष्णु देव वर्मा होंगे डिप्टी सीएम, 9 मार्च को नई सरकार लेगी शपथ। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद कई जिलों में हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से गिराई लेनिन की मूर्ति, राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति ढहाने से सियासी पारा गरम, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लेनिन को बताया आतंकी, माकपा ने की निंदा। मेघालय में कॉनराड संगमा ने ली सीएम पद की शपथ, कांग्रेस का राज समाप्त कर पहली बार राज्य में बनी एनडीए की सरकार। हंगामे की भेंट चढ़ा बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन, पीएनबी घोटाले पर लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। संसद में घमासान के बाद ट्विटर पर राहुल का वार, कहा एक नीरव मोदी है, दूसरा मोदी नीरव है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, बैठक में लगे नारे, जीत हमारी जारी है, अब कर्नाटक की बारी है। कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का समन रद्द करने की मांग की खारिज। पीएनबी महाघोटाले मामले में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को समन, सूत्रों के मुताबिक आज मुंबई में एसएफआईओ के समक्ष होंगी पेश। दिल्ली में लाखों व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सीलिंग का काम रहेगा जारी, कोर्ट ने डीडीए को कहा दादागिरी नहीं चलेगी। श्री श्री रविशंकर के गृह युद्ध वाले बयान पर जारी है बवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री पर कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट से 2019 तक सुनवाई टालने की भी रखी मांग। उत्तर प्रदेश में किसी भी